तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, ओके? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताने वाला है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों बताता हूँ जो आपको मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते हैं। सो डेट आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जो आप काफी लॉन्ग टाइम यूज करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना फ्रेंड्स, 1 मिनट लगेगा, ओके? और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिल्कुल फ्री में है फ्रेंड्स, ओके? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा होने वाला है। इस वीडियो में मैं इस फ़ोन का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसका बैटरी का बैकअप कैसा होगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या इसमें आप पबजी फ्री फायर खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे, कैमरे की क्वालिटी कैसी होगी, ओके? तो फ्रेंड्स, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। सो प्लीज़, अगर आप एक अच्छा फ़ोन बाय करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कोई भी इग्नोर मत करना, सो डैट मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाई करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ओके? तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप है आप सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना जानते हो और एक दूसरे का सपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि कोई भी आप सभी के साथ चीट नहीं करूँगा, आपको रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा, रियल रिव्यू करूँगा, किसी भी ब्रांड से घूस कमीशन नहीं लूँगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिला कि फ़ोन का लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, स्पेशली स्क्रीन का भी लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है और बैक से भी लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और ये आईकाल ब्रांड का फ़ोन होने वाला है, ओके? और आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए? इसमें आपको बैक के 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फ़ोन के मॉडल नेम की और फीचर्स की, और ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, और इसकी रियल MRP कितनी है, ओके? फ्रेंड्स, तो इस फ़ोन की जो मॉडल ये मैं आपको देखने को मिला है आईकाल Z11 Pro, ओके? आईकाल Z11 Pro, ओके? तो ये इस फ़ोन का मॉडल नेम है, इसमें आपको 4 GB का रैम, ओके, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, ओके? आईकाल Z11 Pro ये फ़ोन का मॉडल है, मैं 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। MRP की बात करें तो ये आपको 6000 रुपये से लेके 6400 रुपये के बीच में ही ये फ़ोन आपको मिल जाता है, जो मीडियम MRP है, जो ज़्यादा MRP नहीं है फ्रेंड्स, ओके? अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें आपको जो रैम देखने को मिलता है, 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर नॉर्मल होने वाला है। कैमरे की बात करें तो आपको 13 एम्पियर का बैक का कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 एम्पियर का फ्रंट का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जो कैमरे की क्वालिटी बेस्ट होने वाली है, इतनी बैड नहीं है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 6.53 इंच का आपको स्क्रीन का साइज़ देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh का आपको बैटरी का बैकअप देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की आपको बैटरी इसी फ़ोन में देखने को मिल जाती है, और यह 4G फ़ोन होने वाला है फ्रेंड्स, ओके? तो अब बात करते हैं कि ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि फ़ोन का लुक भाई काफ़ी अच्छा है आपको देखने को मिल रहा है, फ्रंट का लुक भी
काफ़ी अच्छा आपको फ़ोन का देखने को मिला है, बैक का भी लुक आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और ये देखो फ्रेंड्स को, तो फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं, बट एक चीज़ होती है जो मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, आपके साथ कोई भी चीट नहीं करता हूँ और ना कभी फ्यूचर में करूँगा फ्रेंड्स, कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ आईकाल के ब्रांड के फ़ोन ऐसे भी हैं, ओके हो सकता है ये भी ऐसा ही हो, जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट ना हो, कॉल आती है फ़ोन पर तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसी भी प्रॉब्लम मैंने देखी है फ़ोन पे, ओके बट ये सब में नहीं होती है। और बात करें तो इसके कैमरे क्वालिटी की, तो कैमरा की क्वालिटी भी बेस्ट है, सेल्फी कैमरा आपको 8 एम्पियर का देखने को मिल जाएगा, बैक का कैमरा आपको 13 एम्पियर का देखने को मिल जाएगा, 5000 की एमएच की बैटरी की बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फ़ोन बेस्ट है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ओके या तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कुछ ब्रांड बताता हूँ, आप उन ब्रांड के फ़ोन बाय कर सकते हो। हो सकता है उन ब्रांड के फ़ोन में आपको 3/32 का ही स्टोरेज देखने को मिले, फिर भी वो ब्रांड के फ़ोन काफ़ी बेस्ट होंगे। आप मोटोरोला का बाय कर सकते हो, ओप्पो, पोको, रियलमी, रेडमी, वीवो, सैमसंग, ओके तो ऐसे फोन का ब्रांड का फोन काफ़ी बेस्ट होगा कंपेयर देन इस फ़ोन से, ओके तो और ये इतना बैड भी नहीं है, ये मैं भी नहीं कह रहा कि बहुत ही बैड है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसको भी बाय कर सकते हो, लुक भी काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है ये देखो, ओके तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। सो ये वीडियो इतना ही है, अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कॉमेंट, कोई क्यूरी, कोई कन्फ्यूजन कुछ भी है सो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पर करूँगा, अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ओके सो फ्रेंड्स आप सभी से एक बार फिर से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ओके सो डैट